इक्विलेटरल साइकिल क्या रहता है, किसी भी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, चले परपेंडिकुलर, जैसे इस परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये एंगल कितना है, इक्विलेटर का एंगल 60, ये 90, तो ये कितना बन जाएगा 30, और ये कितना बन जाएगा 60, ये भी 30 और ये भी 60, तो दोनों ट्रायंगल के समान है, सिमिलर की कोंग्रुएंट, कोंग्रुएंट है मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी इक्वल, ईच साइड इज इक्वल टू 2 ए ले लेता हूं, ये भी कितना होगा 2 ए, बी से डी तक ए, ये वाली डिस्टेंस ए, अच्छा ये 90 है, ये 2 ए डिस्टेंस है, ये ए है, तो पीजीबी से एडी कैलकुलेट हो जाएगा, क्या बनेगा ए ट्रायंगल ए बी डी, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बाद में लिख लेना, ए बी स्क्वायर कितना है 4 ए स्क्वायर, ए डी स्क्वायर कितना है ए डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर कितना है ए स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर कितना है ए स्क्वायर साइड माइनस 3 ए स्क्वायर, ए डी कितना जाएगा रूट 3 ए, ये डिस्टेंस है रूट 3 ए, अच्छा एंगल 60 की बात करो, sin 60 चलो लेफ्ट लिख देते हैं, ए बी कितना है 2 ए, बी बी कितना है ए, ए डी कैलकुलेट किया है रूट 3 ए, साइन 60, 60 के सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, साइन 60 किसके इक्वल है ए डी अपॉन ए डी, रूट 3 ए अपॉन 2 ए, पहले कितनी आ गई रूट 3 बाय 2 कोस 60 कितना आएगा बी डी अपॉन ए बी ए अपॉन 2 ए 1 by 2 then 10 60 कितना है AD upon BD root 3 A upon A root 3 और बाकी की values 1 upon 4 60 1 upon 7 60 और 1 upon जब भी ज्योमेट्री को पूछा जाए तो सबसे पहले क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके बाद ये प्रूफ देना है कि जो परपेंडिकुलर होगा ए डी वो कितना है रूट 3 ए, उसके बाद वही जो भी वैल्यू पूछी जाए इसकी भी, जैसे कोसेक 60 पूछा जाए तो साइन 60 कैलकुलेट करके करो, या फिर सीधा लिखो कोसेक 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी, जो मेडिकल प्रूफ दे लिखो जल्दी से 60 का प्रूफ, किसी को डाउट है इसमें,
नेक्स्ट नेक्स्ट कौन से 30 30 इसके ऊपर अच्छा 60 वाले के सामने था तो 80 पर कंटिन्यू 30 पर कंटिन्यू क्या किया था बीडी तो बीडी अपॉन एबी कितना है ए अपॉन टू ए यानी का 1/2 और ए किसके ऊपर है 1 अपॉन कोसेक 60 सही है 30 नेक्स्ट कोस 30 किसके ऊपर है ए बी अपॉन ए बी दस रूट थ्री ए अपॉन टू ए कितना हो जाएगा 3/2 वन अपॉन 10/30 फिर 10/30 इसके ऊपर 10/30 आएगा बी डी अपॉन ए डी ए अपॉन रूट थ्री ए 1/√3 इज इक्वल टू 1 अपॉन लिखो जल्दी से तो ये मिल रही है अगर ये वाला थीटा है ये कितना है 90 बाय थीटा ये 90 तो इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए तो 90 माइनस थीटा थीटा प्लस 90 है 90 माइनस थीटा एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए 90 सी कितना है एंगल ए प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 एंगल ए कितना आएगा 90 माइनस थीटा सही है फिर मैं एंगल लिख दिया साइन थीटा कैलकुलेट करने कितना आएगा साइन थीटा थीटा के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर क्या करेंगे ए बी ए कौन ए सी कोस थीटा कितना है बी सी अपॉन ए सी टेन थीटा कितना है ए बी ए कौन
साइन कोस। चल कर लेते हैं साइन 90 माइनस बीटा, तो इसके सामने वाला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर क्या बनेगा, बी सी अपॉन ए सी कोस 90 माइनस बीटा, ए बी अपॉन ए सी 10 90 माइनस बीटा कितना बनेगा, बी सी अपॉन ए बी। अच्छा ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी इक्वल होगी सेम इसके बोला जाए कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ क्या लिखा हुआ, बी सी अपॉन ए सी, ये भी किसके इक्वल है, बी सी अपॉन ए सी है, इसको क्या लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे क्या लिखूंगा, कोस थीटा फिर सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये क्या बनेगा, बी सी अपॉन ए बी सेक थीटा क्या बनेगा, ए सी अपॉन बी सी और कोसेक थीटा क्या बनेगा, ए सी अपॉन ए बी, यहाँ पर कोट 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, ए बी अपॉन बी सी ये बनेगा, ए बी अपॉन बी सी सेक 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, ए सी अपॉन ए बी कोसेक 90 माइनस थीटा, ए सी अपॉन बी सी। अच्छा कौन सा किसके इक्वल आएगा, ए बी अपॉन बी सी लिखा हो, ए बी अपॉन बी सी है किसके इक्वल आएगा, कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, 10 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल आएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल आएगा, टेन 90 माइनस थीटा, यहाँ से देख लो ना कोसेक किसके रेसिप्रोकल इक्वल आएगा, वन अपॉन कोसेक थीटा, इसका मतलब अगर ये लिखा हुआ साइन 30 किसके इक्वल आएगा, कोस 90 माइनस 30, तो साइन 30 इज इक्वल टू कोस 60। ऐसे कन्वर्जन करने होंगे एंगल्स के जब सॉल्यूशन बनाने होंगे तब। लिखो ही वाले एंगल्स को रिड्यूस करना या फिर इंक्रीज करना सेम पेयर बनाने के लिए,
अच्छा इसके अलावा एक ट्रेंड की स्पेशली याद रखनी है, या तो वो स्टैंडर्ड है जैसे मैक्सिमम आपको फिजिक्स में काम आएगा। ठीक है, अच्छा 3 4 5 सुना हुआ है ना, पाइथागोरस की प्लेट है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब। ठीक है, कौन सा एन के तो नहीं। अच्छा ये दो एंगल्स कितने होते हैं, दोनों का सम तो 90 होगा, लेकिन राइट एंगल है ये कौन सी भी काम आएगा फिजिक्स में। अच्छा कितने हो सकते हैं, वैल्यू कितनी होगी, 45 45 होगी तो ये इक्वल साइड्स होनी चाहिए। सिक्सटी थर्टी का भी किया था, देखो याद करो 30 में कितना था रेशियो, अगर ये एंगल 30 होगा तो ये साइड कितनी होगी, वन, तो ये कितनी होगी, रूट थ्री, साइड कौन सी बड़ी, पहले ये बता दो कि एंगल कौन सा बड़ा हुआ, ए या बी। जी बी एंगल बड़ा हुआ, क्यों, क्योंकि जो बड़ी साइड है उसके सामने वाला एंगल क्या था, बड़ा एंगल होता है। याद रखना इसकी वैल्यू थ्री और इसकी वैल्यू होगी 37। ये स्टैंडर्ड एंगल सही है, लेकिन पाइथागोरस एंड ट्रिपलेट के लिए यही एंगल होते हैं जो ये वाला 3 4 5 वाला। ठीक लिखियो, फिजिक्स में पढ़ेंगे काम है, हां सीधा सीधा है, जैसे किसी जगह पे वैल्यू दी होगी और उसी जगह एंगल रिप्लेस करना होगा, तो साइन 39 या साइन 53 जो भी वैल्यू हो। जैसे साइन 37 की वैल्यू पूछ रही है, मतलब परपेंडिकुलर सबसे छोटी साइड कौन सी, परपेंडिकुलर कौन सी, ये वाला मतलब एंगल फोर, तो 4 और 3 में से बड़ी साइड कौन सी, ये वाली इसके सामने वाले एंगल बड़ा होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वाले किसी भी पॉइंट से, जैसे मतलब कि एक लाइन है ये पॉइंट है तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी कंपैरेटिवली अदर्स, शॉर्टेस्ट साइड भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, किसी भी चीज से डिस्टेंस कैलकुलेट करिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो ये भी तो परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर इसी लाइन को ए सी को बी पे किसी भी कोई भी पॉइंट ज्वाइन करूंगा अदर देन सी, तो वो एक बी सी से बड़ी ही लेंथ होगी, चाहे किसी भी साइड, तो जो सबसे बड़ी साइड कौन सी है, इसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा, फिर ये है तो इसके सामने वाला एंगल इससे छोटा एंगल होगा और इस वाले से बड़ा एंगल। मैथ्स में काम नहीं आएगा, फिजिक्स में काम आएगा। ठीक है, इसके बाद लर्न करने वाली एक और चीज जो अभी तक प्रूफ देखे थे, कौन से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस और स्टैंडर्ड एंगल्स, एक उनकी वैल्यू याद करने के लिए एक टेबल में दी है, याद कर ली, कंप्लीट याद है, 10:30 की वैल्यू बता, हां अभी भी याद, फोर थर्टी की, फोर थर्टी 660 660 यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल मतलब थीटा इस तरफ और ये रेशियस ई रेशियस साइड साइन कोस टेन कोस टेन एंगल 0 डिग्री पे 30 45 और नहीं। ठीक है, एग्जाम देने जाओ, कौन सी फाइनल एग्जाम बोर्ड की आंसर शीट कितने मिनट चलेगी, 15 मिनट चलेगी, आपके नाम रोल नंबर
फिलअप करने के लिए और इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए। तो टाइम तो सफिशियंट होता है, ठीक है। उस टाइम आप पेंसिल से ये वाली टेबल बना रहे हैं, कहाँ पे सबसे लास्ट वाले पेज पे जहाँ पे रफ करते हैं किसे पेंसिल से, ठीक है, ताकि जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तब क्या हो, ऐसे दिमाग ना लगाना पड़े, सोचना ना पड़े कि वैल्यू क्या हो गया, फिर वैल्यू पे याद हो गया इधर पेज टर्न किए वैल्यू देखिए और सीधी वैल्यू, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका वही 0, 1, 2, 3, 4 और सबके डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और इधर ये वाली किसकी रेस्पेक्टिव एंगल और उसके साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये के साथ रहेगा 0, sin 0 डिग्री की वैल्यू 0। वन का रूट कितना का 1, 4 का रूट 2, 1/2 ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, सिंपल फॉर्म क्या जाएगा 1/√3, √3 का √3 और डिवाइड में 2 ये क्या जाएगा 1। वैल्यू चेक कर लो sin 30 की, sin और 30 कितने देगी 1/2, sin 60 की चेक कर लिए √3/2। अच्छा इतना लिखने के बाद इसको कंप्लीट टर्न कर दो, वही वाली आइडेंटिटी cos 90 - 0 कितने का 90, और sin 0 की वैल्यू किसके को लाइन cos 90 है, ठीक है। cos 90 - 30 करो कितने का 60, तो sin 30 की वैल्यू किसके को लाइन cos 60 है। इस वन को सबसे पहले सीधा लिखा, ठीक है, √3/2, उसके बाद 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। पहले से क्या करें, तो साइन अपॉन कॉस तो सीधा सीधा लिखा हुआ है 0/1 0, 1/2/√3/2 1/√3, ये दोनों वैल्यू सेम, तो 1 चलो कितना जाएगा √3 और 1/0, फिर वापस जो साइन में क्या था वही इसमें आ जाएगा 90 - θ वाला सेम कॉन्सेप्ट क्या जाएगा 9/5, ठीक है। ये कितना जाएगा √3, ये 1 1/√3 और 0, तो ये अच्छा sec के लिए आएगा 1/cosec, सॉरी 1/cos, 1 के अपॉन में 1 लिखा कि पहले 1, 1 के अपॉन में ये वाली वैल्यू को कितना कितना रहेगा 2/√3, रेसिप्रोकल करना ना, इसका रेसिप्रोकल कितना रहेगा √2, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल 9/5, ठीक है। अब कोसेक की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो या तो साइन का रेसिप्रोकल कर लो या फिर इसको भी वापस वैसे चेंज कर दो जैसे जैसे बाकी को चेंज किया 90 - θ वाले कांसेप्ट से, ठीक है। जाएगा 9/5, ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 2/√3, ये कितना आएगा 1, बनाओ टेबल।
Find the value of theta. There are two sine theta is equal to root 3. Second, 3 tan square root theta is equal to 1. Third, 4. Nine x square 3 theta is equal to 4. Fourth, 3 pound square 2 theta is equal to 9. Theta की value कर दो. 2 sin 2 theta.
जी करिए फोर्थ करेंगे बिल्कुल सर। ये क्या है 225 डिग्री? सभ्यता वर्मा फिर से चेक करो। चलो पहले वाले का सर दिखाई दे रहा। टू साइन टू थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री। साइन टू थीटा इज नाउ रूट थ्री बाई टू साइन टू थीटा इक्वल साइन 16। अच्छा इसका मतलब टू थीटा इक्वल 16 थीटा कितना रहेगा? 30 डिग्री। इसमें किसी को डाउट नहीं? सेकंड सेकंड के लिए 3 tan² 2 थीटा इज इक्वल टू 1। tan² 2 थीटा कितना रहेगा? 1/3। tan रूट थीटा कितना जाएगा? 1/√3। tan 2 थीटा tan 30 थीटा कैसे बोला जाएगा? सॉरी 2 थीटा आएगा 30 थीटा जाएगा 15 डिग्री। थर्ड वाले क्या है? 9 sec² 3 थीटा इज इक्वल टू 4। sec² 3 थीटा इज इक्वल टू 4/9। sec 3 थीटा इज इक्वल टू 2/3। इसी की वैल्यू है 9 की जगह 3 होता कैलकुलेट हो जाता है। ऐसे केसेस में क्या करना है जब एंगल की वैल्यू पूछी जाए? ठीक है इसके लिए जो बात कर रहा हूँ मैंने फोन कर दिया लिखा 4 4 क्या है? 3 4। थ्री कोट स्क्वायर 4 थीटा इज इक्वल टू 9। कोट स्क्वायर 4 थीटा इज इक्वल टू 3। कोट 4 थीटा इज इक्वल टू रूट 3। तो कोट 4 थीटा कितना जाएगा? कोट 30। 4 थीटा कितना गया? 30। थीटा कितना जाएगा? थीटा जाएगा 7.5 डिग्री। इन तीन में किसी को डाउट है? फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में थ्री √3 लिखा हुआ है। ये क्या बनेगा? √1 अपॉन √3। √1 क्या होगा? किसी को कोई डाउट है इसमें? ये बेटा बेटा साइन थीटा इसका स्क्वायर इसके इक्वल था साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल सही ना? ठीक है लेकिन जब ऐसी कोई चीज आती है ठीक है एक चीज और लिखी जाती है ऐसे साइन इनवर्स थीटा। ठीक है इस इनवर्स का मतलब ये नहीं है कि साइन थीटा की पावर माइनस वन ये नहीं होगा। ये चीज याद रखो ये तो सही है लेकिन ये सही नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं कि साइन की पावर माइनस वन है। ठीक है और ये ना ये मतलब है कि थीटा को सही लिखा है। ठीक है इनवर्स का मतलब ये है कि अगर मान लो ये दिया कि थीटा सॉरी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा दिया तो ये लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये मतलब है। ठीक है
ये भी काफी नहीं आएगा, लेकिन ये चीज याद रखना ये इक्वल नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वन अपॉन साइन थीटा लिखा हो, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, याद रखना। कैन यू प्लीज रिपीट थर्ड पार्ट? थर्ड पार्ट में कैलकुलेट नहीं होगा ऐसे, ठीक है? 3 थीटा 2/3 हमने को वैल्यू नहीं पता किसकी होगी, तो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, ठीक है? एक्चुअल में तो ऐसा एंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है? इस ऊपर वाली चीज में किसी को डाउट है? थर्ड पार्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए हैरान हो? अच्छा ये वाला ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है? ये एंगल थीटा ए बी और सी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? ए बी अपॉन ए सी। क्या ए बी ए सी से बड़ा हो सकता है? कभी नहीं। मैक्सिमम कितना हो सकता है? इसके इक्वल होगा, उसके इसमें थीटा कितना आ जाएगा? 0। ए मिलेगा, इसका मतलब ए बी अपॉन ए सी, मतलब जो साइड दी है उसके अकॉर्डिंग में सबसे बड़ी साइड है। तो क्या साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी आ सकती है कभी? ए बी अपॉन ए सी डी, ठीक है? ये बता एंगल इंक्रीज कब करेंगे? जब ए बी को इंक्रीज करूंगा, ठीक है? अगर इसको डिक्रीज किया तो वैसे ए को यहाँ पर होता तो एंगल की वैल्यू कब होगी? इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी? लेस देन और इक्वल टू 1। और जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा क्या होगा? साइन थीटा इंक्रीज करेगा, ठीक? ये चीज क्लियर? चलो सेकंड पॉइंट, कोस थीटा की बात करते हैं। अच्छा कोस थीटा क्या होगा? बी सी अपॉन ए सी। ये वाली वैल्यू भी ए सी से बड़ी हो सकती है? नहीं होगी। इसका मतलब कोस थीटा की वैल्यू भी क्या होगी? ये वाला होगा। अच्छा कोस थीटा की ये वाला एंगल इंक्रीज या डिक्रीज करो कैसे पता चलेगा? इस साइड को देखना, इस साइड के रेस्पेक्ट में बी सी को अगर आगे इंक्रीज करो मतलब ए बी भी इंक्रीज होगी, तो एंगल की बात करनी है। अगर इस सी पॉइंट को धीरे धीरे इधर खींचता हूँ, थीटा क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, लेकिन बी सी लेंथ क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या करेगी? सॉरी कॉस थीटा की वैल्यू क्या करेगी? इस सी पॉइंट को इधर खींचता हूँ एंगल बड़ा होता जाएगा थीटा, और ये लेंथ क्या होगी? कम। इसका मतलब जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा ये लेंथ क्या होगी? कम। तो अगर थीटा इंक्रीज किया तो कॉस थीटा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इट इज अच्छा साइन थीटा टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होगा? ए बी अपॉन बी सी। अच्छा मतलब इन दोनों का ही डिवाइडेड है, ठीक है? अच्छा थीटा को अगर यहां ले आऊं तो क्या बी सी ए बी से छोटा होगा? वैसे देखो ना ए बी अपॉन बी सी मतलब 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, जैसा मतलब टेन थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? इनफाइनाइट तक जाएगी। नॉन डिफरेंट होता है ना, 0 से स्टार्ट होता है इनफाइनाइट तक। टेन थीटा की वैल्यू कहां तक हो सकती है? नॉन डिफरेंट मतलब इनफाइनाइट से जस्ट छोटी, डिफाइंड हो जाएगी ना। इसकी वैल्यू कितनी होगी? इनफाइनाइट तक होगी। अच्छा इसमें थीटा का क्या मतलब? थीटा इंक्रीज कर रहा हूँ, साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है, कोस थीटा डिक्रीज हो रहा है। टेन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये ऊपर वाली वैल्यू इंक्रीज कर रही है, नीचे वाली वैल्यू डिक्रीज कर रही है। ओवरऑल टेन थीटा में क्या होगा? सॉरी थीटा को क्या किया?
इंक्रीज, टेन थीटा भी होगा ठीक है। सिर्फ इस एंगल की बात करें, 90 से बड़ी वाली वैल्यू की बात करें, सिर्फ 90 तक थीटा जब इंक्रीज होगा 0 से 90, तो टेन थीटा भी होगा इंक्रीज होगा। अच्छा सेक थीटा की बात करूं, कोसेक थीटा और कोट थीटा, कोट थीटा क्या बन जाएगा, कोट थीटा की वैल्यू भी इनफिनिटी तक जाएगी ना, होगी। अच्छा थीटा इंक्रीज करेगा इसका रेसिप्रोकल कर लेगा, इंक्रीज कर जाएगा कोट थीटा, सेक थीटा का ऑपोजिट जाएगा कोसेक थीटा, ऐसे कर रहा है सेक थीटा, कोस थीटा का क्या ऑपोजिट आएगा सेक थीटा, थीटा इंक्रीज करेगा सेक थीटा क्या करेगा इंक्रीज करेगा, कोसेक थीटा में क्या होगा थीटा इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। लेकिन एक चीज याद रखना, सेक थीटा क्या बनता है जल्दी बोलो, नहीं इसके रेशियो ए बी अब सॉरी ए सी अपॉन बी सी। अच्छा बी सी मैक्सिमम कितना हो सकता है ए सी के ऊपर, इसका मतलब ए सी तो हमेशा ही बड़ा रहेगा, तो क्या सेक थीटा की वैल्यू 1 से छोटी आ सकती है, नहीं आएगी कभी भी, यह हो सकती है तो हाइपोटेनस अगर इस साइड से छोटा हो जाएगा तब तो 1 से छोटी होगी, तो क्या ये हो सकता है कि ये वाली जो लेंथ है वो इस लेंथ से छोटी हो जाए, नहीं होगी ना, तो सेक थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, सेक थीटा की वैल्यू हमेशा बड़ी या बराबर होगी 1 के, और अगर थीटा इंक्रीज किया तो सेक थीटा भी क्या होगा इंक्रीज होगा। ठीक है थीटा इंक्रीज करने के लिए इसको इधर क्या होगा बी सी लेंथ क्या होगी छोटी होती जाएगी, तो इसका भी क्या कर जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा भी होगा ए सी अपॉन ए बी, ए सी ए बी से छोटा हो सकता है, नहीं होगा, तो इसका मतलब कोसेक थीटा इज ग्रेटर और इक्वल देन 1, थीटा इंक्रीज करेगा तो कोसेक थीटा नहीं होगा डिक्रीज होगा। साइन का रेसिप्रोकल बताना, तो थीटा इंक्रीज हो रहा है साइन थीटा इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब कोसेक थीटा क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। कोट थीटा का भी लिख देता हूँ सारे, कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी वही इनफिनिट होगी, कोट थीटा कहाँ से होगा लेस देन इनफिनिट मतलब 0 से बड़ा इनफिनिट से छोटा। अच्छा थीटा इंक्रीज तो कोट थीटा भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, सेकंड थर्ड सीरियल जैसे जिसपे कोर्ट में कि किसकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए साथ साथ में लिखा है क्लास स्टार्टिंग लेकिन पहले पार्ट सब लिख दिया हो, थीटा था थीटा थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 से बड़ी या 1 के बराबर, वहां पे सेक की वैल्यू क्या आ रही है
2 by 3, 1 से छोटी, इसका मतलब ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी थीटा की, इसके लिए ये सेटिस्फाई करते हैं। आंसर क्या है? नो सॉल्यूशन। प्लीज एडजस्ट, आई कैन नॉट सी द राइट साइड। सेकंड और फोर्थ का सॉल्यूशन बना लिया था, थर्ड वाले का आंसर क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। ओके, ज्यादा टाइम इसको गहराई से लेके जाना पड़ेगा। सर इज द क्लास टिल 7:30? क्लास इज ओवर। ओके, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।